सो गाइस, आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम जानेंगे किसी भी मेडिसिन के पैकेज पर लिखे सॉल्ट नेम से हम पता कर सकते हैं उस मेडिसिन का काम। ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। और गाइस, डॉक्टर जब भी प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, वो मेडिसिन का क्या यूज़ है वो भी आप बता सकते हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? तो प्रीफिक्स किसी वर्ड के स्टार्टिंग के लेटर्स को कहा जाता है। जैसे अगर मैं सॉल्ट नेम लूँ किसी मेडिसिन का, कैल्सिट्रॉल, कैल्सिफेरॉल, तो यहाँ पे कैल्सी दिख रहा है ना, यही होता है प्रीफिक्स। अगर मैं सफिक्स के बारे में बात करूँ तो किसी वर्ड के एंड के लेटर्स, अगर मैं एग्जांपल लूँ मेडिसिन सॉल्ट का तो एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, तो यहाँ पे जो सिलिन सिलिन दिख रहा है ना, ये एंड में आ रहा है, तो ये हो गया सफिक्स। आई होप आपको प्रीफिक्स सफिक्स समझ आ गया होगा। तो गाइस, आई होप आपको सॉल्ट नेम मालूम होगा मेडिसिन के पैकेज पे कहाँ लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे एमोक्सिसिलिन, ये सॉल्ट नेम हो गया। वहीं पे अगर इसका सफिक्स की बात करें तो सिलिन हो गया इसका सफिक्स। ऐसे ही कुछ और मेडिसिन हम देखते हैं उसका सॉल्ट नेम पता करते हैं कहाँ कहाँ पे है। तो इसका जो सॉल्ट नेम है वो है एमोक्सिसिलिन, अभी हमने देखा था, सिलिन इसका सफिक्स। ऐसे यहाँ पे एसिक्लोफेनक जो इसका सॉल्ट नेम है, और फेनक क्या हुआ? सफिक्स। यहाँ पे है फ्लुकोनाजोल, जिसमें अजोल क्या है? अजोल है सफिक्स। ऐसे ही यहाँ पे एजिथ्रोमाइसिन, जिसमें माइसिन जो होता है ना, ये होता है इसका सफिक्स। यहाँ पे पेंटोप्राजोल, जिसमें अजोल जो होता है वो क्या होता है? सफिक्स। सो गाइस, अब हम मेडिसिन के यूजेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट में ले रखा है टिडिन, जो कि एक सफिक्स है। अगर मैं आपको कुछ मेडिसिन के सॉल्ट नेम बताऊं, सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फेमोटिडिन, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, सबके लास्ट में क्या आ रहा है? सबके लास्ट में आ रहा है टिडिन। तो टिडिन जो होते हैं, जहां भी आपको दिख जाए सॉल्ट नेम में, आप समझ जाना ये एंटी अल्सर ड्रग होते हैं। एंटी अल्सर ड्रग कौन से होते हैं? जो हमारे स्टमक के अंदर बढ़े हुए HCL को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि जो HCL बढ़ा हुआ रहता है ना, उसी से अल्सर कॉज होता है। तो इन अल्सर को ट्रीट करने का काम इन्हीं का है, जैसे कि यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। सो गाइस, इस टाइप से आप चार्ट बना सकते हो प्रीफिक्स, सफिक्स, सॉल्ट टाइम और यूजेस का, बिकॉज हम पूरी सीरीज ला रहे हैं जिसमें बहुत सारे मेडिसिन को हमें कवर करना है। तो गाइस, अब सेकंड नंबर पे आते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमने ले रखा है फ्लोक्सासिन को, जो कि एक सफिक्स है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं मेडिसिन के सॉल्ट टाइम का, सिप्रोफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, गेटिफ्लोक्सासिन, तो यहाँ पे लास्ट में फ्लोक्सासिन दिख रहा है ना, तो जब भी आपको फ्लोक्सासिन दिख जाए, आपको समझ जाना है कि उस मेडिसिन का क्या काम है। तो एंटीबायोटिक का काम करता है वो, यानी वो बैक्टीरिया को किल करता है और इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करता है, यानी प्रिवेंट करता है। तो गाइस, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हो। तो गाइस, ऐसे ही बहुत सारे मेडिसिन को हमें कवर करना है। सो गाइस, मूव करते हैं थर्ड नंबर पे, जिसमें हमने थर्ड नंबर पे ले रखा है अजोल को, जो कि एक सफिक्स है। तो गाइस, कुछ मेडिसिन के शॉर्ट नेम की बात करें तो क्लोट्रिमाजोल, इकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल, ये सब क्या है? अजोल आ रहा है ना सबके लास्ट में, तो अजोल आ जाए तो आपको समझ जाना है इन सब का यूजेस एक ही है। और इनका यूजेस क्या है? तो इनका यूजेस है एंटी फंगल प्रॉपर्टी। एंटी फंगल प्रॉपर्टी मतलब जो फंगल इन्फेक्शन हुआ रहता है ना, उसको ट्रीटमेंट के लिए इनका यूज किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग इमेज में देख सकते हो। तो गाइस, इन वीडियोस को अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, मूव करते हैं फर्दर फोर्थ नंबर पे। तो फोर्थ नंबर पे हमने ले रखा है टेरोल को, जो कि एक सफिक्स है। अगर मैं आपको कुछ मेडिसिन के सॉल्ट नेम बताऊं, जैसे कि एल्ब्यूटरॉल, लेवेल्ब्यूटरॉल, पिरब्यूटरॉल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, तो लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है टेरोल। तो जब भी टेरोल आए, आपको समझ जाना है इन सब का काम एक ही है। तो इन सब का काम क्या है? तो एज अ यूज करते हैं हम लोग ब्रोंकोडायलेटर, जो कि यूज किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए हमारे लंग डिजीजेस को, जो कि होता है अस्थमा और COPD के द्वारा, जिसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग, चेस्ट पेन, ये सब होता है। तो गाइस, मूव करते हैं फर्दर फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे हमने ले रखा है केन को। अगर मैं आपको कुछ मेडिसिन के सॉल्ट नेम बताऊं, आइडोकेन, कोकेन, बुविवाकेन, लिडोकेन, तो गाइस यहां पे आप देख भी सकते हो, तो लास्ट में क्या आ रहा है? तो लास्ट में आ रहा है केन। तो अगर जहां भी आपको दिख जाए ना केन, आपको समझ जाना है इन सब का काम एक ही है। तो इनका काम है लोकल एनेस्थेटिक, इसका मतलब होता है एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को सुन करना। जैसे आपने दांत वाले डॉक्टर को देखा होगा, दांत निकालने के लिए एक उसी दांत में जो है इंजेक्शन देते हैं, यानी एनेस्थेटिक देते हैं। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और गाइस, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें।